बिना सम्मान और पर्यावरण जागरूकता को लेकर साइकिल पर भ्रमण कर देश भर की यात्रा कर रहे हैं और कई राज्यों का भ्रमण कर ये दोनों युवा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे हैं। सेना सम्मान को लेकर साइकिल पर देश भर की यात्रा पर निकले गुजरात के अक्षय ने कहा कि अभी तक वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की यात्रा पूरी कर हिमाचल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के जरिए वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सेवा के जवानों का हमेशा सम्मान करें। ये वो जवान हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर हमेशा देश के लिए सेवा करते हैं और सरहदों पर हमेशा डटे रहते हैं। और मैं गुजरात से हूँ और मैंने ये यात्रा गुजरात से ही शुरू की है। अभी तक मेरा हो गया 5 राज्य हो गया है और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख करके आया हूँ और मैं ये यात्रा अपने भारतीय सेना के सम्मान में कर रहा हूँ। अपने जो सेना है, भारतीय सेना, अपने दिन रात बॉर्डर पे अपनी सेवा करती है, तो उनका सम्मान, मान सम्मान करना ही चाहिए, लोगों को करना ही चाहिए। जब भी भारतीय सेना हमको आर्मी के जवान, नौजवान देखे तो उसे एक सैल्यूट करना चाहिए, जय हिंद बोलना चाहिए और ऐसे ही सम्मान करना चाहिए। और साइकिलिंग भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है फिटनेस के लिए। साइकिलिंग करना चाहिए क्योंकि आजकल बाइक वगैरह से भी घूमते हैं, पेट्रोल वगैरह से, डीजल वगैरह, धुआं और प्रदूषण फैलता है, तो साइकिलिंग से प्रदूषण मुक्त है और सेहत भी अच्छी रहती है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, पब्लिक जैसे बढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम जितना जल्दी डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी को मतलब कम करें, चलाना कम करें, वो अच्छी है। साइकिलिंग करोगे तो आपका क्या होगा कि हेल्थ इम्प्रूव होगा, ठीक है। मतलब साइकिलिंग आपका पूरा एक्सरसाइज होता है, बॉडी का एक्सरसाइज। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को साइकिल डेली 50 किलोमीटर तो चलाएं आप।